क्या आप एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसकी परफॉर्मेंस और कैमरा दोनों ही अच्छा होना चाहिए और साथ में उसका बजट 15,000 या उससे कम होना चाहिए? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश मेहता और आप देख रहे हैं टेक गुरु 2020। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जिनकी परफॉर्मेंस और कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो आपके बजट में भी है, मींस वो 15,000 या उससे कम में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, जब हम इसकी रिसर्च करते हैं तो हम इसके पूरे एनालिसिस करते हैं, पूरे कंपैरिजन करते हैं, तभी हम आपके लिए ये लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब भी हमने इसकी रिसर्च स्टार्ट की थी तो हमने उसमें एक बेसिक क्राइटेरिया को सेट किया था, लाइक 6.5 इंच का डिस्प्ले होना चाहिए, कम से कम 4000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी होनी चाहिए, फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए और सी टाइप यूएसबी सपोर्ट होना चाहिए और साथ में 6GB रैम होनी चाहिए और कम से कम 48 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा हमने इस रिसर्च पे फोकस किया था फोन की परफॉर्मेंस पे और उसके बाद हमने बहुत सारी चीजों को कंपेयर किया, लाइक कैमरा एंड अदर स्टफ, उसी के बाद हमने ये लिस्ट प्रिपेयर की है। फ्रेंड्स, फिफ्थ पोजीशन पे है Redmi Note 9। इसमें आपको G85 प्रोसेसर मिलता है और ये एक ही फोन ऐसा है जिसमें आपको 128GB स्टोरेज मिलती है। इसमें आपको 5020 मेगाहर्ट्ज की बैटरी मिलती है और 22.5 वॉट का चार्जर भी मिलता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसकी स्टोरेज की वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है और इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट है 14,999 जो कि 15,000 से कम है। फ्रेंड्स, जो भी हम फोन आपको बताने वाले हैं उनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ पोजीशन पे है पोको का M2 Pro। दिस इज द ओनली फोन जिसमें आपको बैक एंड फ्रंट पे ग्लासेस मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसमें आपको 33 वॉट का चार्जर मिलता है, बट दिस फोन इज लॉक एंड इट्स ओनली सपोर्ट 20-25 वॉट, बट यू स्टिल गेट 33 वॉट चार्जर। ये एक ही फोन ऐसा है जिसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720 प्रोसेसर मिलता है, बाकी सब में आपको हीलियो मिलते हैं, इसी वजह से ये फोन फोर्थ पोजीशन पे है। चलिए आप देखते हैं कि नंबर थ्री पोजीशन पे कौन सा फोन है। फ्रेंड्स, आप जरूर सोच रहे होंगे कि सैमसंग का M21 एंड M38 हमारी लिस्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एमुलेट स्क्रीन मिलती है और बड़ी बैटरी भी मिलती है और साथ ही में आपको इसमें 4GB रैम मिलती है जो कि हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं होता है, इसलिए वो हमारी लिस्ट में नहीं है। तो फ्रेंड, थर्ड पोजीशन पे है Realme 6 जिसमें आपको 4300 मेगाहर्ट्ज की बैटरी मिलती है और 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है। चलिए देखते हैं नंबर टू पोजीशन पे कौन सा फोन है। नंबर टू पोजीशन पे Realme 6 का छोटा भाई है जिसका नाम है Realme 6i। इसमें आप देखेंगे डिफरेंस Realme 6i एंड 6 में तो मेजर डिफरेंस नहीं है, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस जो मेजर मुझे लगता है वो है कैमरे का। Realme 6i में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और दूसरी अगर हम चीज देखें तो इसमें आपको 20 एंड 30 वॉट चार्जर का डिफरेंस मिलता है। लाइक आपको Realme 6 में आपको 30 वॉट चार्जर मिलता है और Realme 6i में आपको 20 वॉट का चार्जर मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें सेम मिलेंगी, लाइक आपको रैम सेम मिलती है, आपको हीलियो जो प्रोसेसर है वो सेम मिलता है, बाकी सारी चीजें सेम है, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। द ओनली डिफरेंस विच आई सॉ दैट इज अ प्राइसिंग की वजह से Realme 6i सेकेंड पोजिशन पे है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नंबर वन पोजीशन पे। नंबर वन पोजीशन पे है विदाउट एनी डाउट, लेट मी रिपीट, विदाउट एनी डाउट दैट इज Realme 7 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसमें आपको G95 प्रोसेसर मिलता है जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, साथ में आपको 5000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी मिलती है जिसमें आपको 30 वॉट का चार्जर मिलता है, दैट मींस इससे आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी। तो मींस प्रोसेसर भी आपको अच्छा मिल गया है, आपको चार्जिंग भी अच्छी मिल गई है। अब बात करते हैं बिगेस्ट पॉइंट की, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है जो आपको बहुत अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस देगा। आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें आपको IMX 682 का सेंसर मिलता है जो कि सोनी का है और हम सब जानते हैं कि सोनी की कैमरे की क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। तो गाइस, 15,000 में आपको सारी चीजें मिलती हैं
इस फोन पे, तो इस वजह से ये फोन हमारी नंबर वन की रैंकिंग पे है। तो फ्रेंड्स ये थे सारे फोन्स जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद टेक गुरु 2020। बाय बाय।